आज हम नर्वस कोऑर्डिनेशन एक्शन एंड कंट्रोल के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे जिस्म के टिश्यूज और ऑर्गन्स आजादाना तौर पर कोई भी काम सरंजाम नहीं देते। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब एक्टिविटीज कोऑर्डिनेटेड होती हैं। कोऑर्डिनेशन की वजह से ऑर्गेनिज्म जिस्म के रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की दो अकसाम है। नर्व कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम के बारे में बताता है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बताता है। जानवरों में दोनों तरह की कोऑर्डिनेशंस होती हैं, जबकि पौधों और दूसरे जानदारों में केमिकल के जरिए कोऑर्डिनेशन होती है। कोऑर्डिनेशन एक्शन के अज्जा स्टिमुलस, माहौल में कोई अंदरूनी या बैरूनी तब्दीली जो के जानदार में रिस्पांस पैदा कर सकती है। स्टिमुलस की कुछ मिसालें हरारत, सर्दी, प्रेशर, आवाज की लहरें और कीमियाई रिसेप्टर्स की मौजूदगी है। रिसेप्टर, रिसेप्टर्स जो कि खास किस्म के स्टिमुलाई की निशानदही के लिए बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आवाज की लहरें कान से डिटेक्ट की जाती हैं, रोशनी आंखों के जरिए डिटेक्ट की जाती है और हवा में केमिकल नाक के जरिए डिटेक्ट किया जाता है। कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेटर्स वो ऑर्गन्स हैं जो कि रिसेप्टर्स से मालूमात लेते और एक मुकम्मल एक्शन के लिए एक खास ऑर्गन को पैगाम भेजते हैं। नर्व्स कोऑर्डिनेशन और ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर्स हैं जो कि मालूमात वसूल करते हैं और नर्व इम्पल्स के जरिए से पैगाम भेजते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेशन के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स अहम है जो कि केमिकल के जरिए मालूमात वसूल करते हैं और खून में खास किस्म के हार्मोन्स के जरिए पैगाम भेजते हैं। इफेक्टर्स, इफेक्टर्स जिस्म के हिस्से हैं जो कि कोऑर्डिनेटर से मालूमात वसूल करते और एक खास रिस्पांस पैदा करते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन कोऑर्डिनेशन से पैगाम मसल्स और दिमाग तक ले जाते हैं जो इफेक्टर का काम करती हैं। रिस्पांस, कोऑर्डिनेटर से पैगाम वसूल करने पर इफेक्टर्स अफाल सरंजाम देते हैं और ये फेल रिस्पांस कहलाता है। आमतौर पर नर्वस कोऑर्डिनेशन फौरी रिस्पांस पैदा करता है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में सुस्त लेकिन लंबे दौरानिये का रिस्पांस पैदा होता है। कोऑर्डिनेशन एक्शन के अज्जा की मिसालें, अगर हाथ किसी गर्म सतह के साथ छू जाए तो उंगली से स्टिमुलस पैदा होता है। रिसेप्टर इलेक्ट्रिक इम्पल्स को पैदा करने के लिए स्टिमुलस की एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। ये इम्पल्स एक्सॉन से पैदा होती हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन के सेल के जरिए से एक्सॉन और एक्सॉन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाती हैं। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स इंटर न्यूरॉन तक जाती हैं, फिर ये नर्व इम्पल्स एक्सॉन के जरिए ट्रांसमिट होकर मोटर न्यूरॉन से होते हुए टारगेट इम्पल्स की तरफ जाती हैं। नतीजतन हाथ गर्म चीज से पीछे खींच लिया जाता है। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम जिस्म के तमाम अफाल को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड मौजूद हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बहुत सारे न्यूरॉन्स शामिल हैं। न्यूरॉन्स के बगैर हम छूने, देखने, सुनने और सूंघने के काबिल नहीं हो सकते। न्यूरॉन की साख्त सेल बॉडी, न्यूक्लियस और न्यूरॉन का ज्यादातर साइटोप्लाज्म सेल बॉडी में पाया जाता है, इसे सोमा कहते हैं। सेल बॉडी से मुख्तलिफ प्रोसेस निकलते हैं, ये डेंड्राइट्स और एक्सॉन कहलाते हैं। डेंड्राइट्स वसूल कुनिंदा के तौर पर काम करते हैं, ये दूसरे न्यूरॉन से मालूमात वसूल करते हैं। एक्सॉन्स, एक्सॉन्स सेल बॉडी के अलावा नर्व इम्पल्स पैदा करते हैं। श्वान सेल्स, श्वान सेल्स मखसूस किस्म के सेल्स हैं जो कि एक बाकायदा दौरानिये में एक्सॉन के साथ मौजूद होते हैं। माइलन शीथ, श्वान सेल एक फैटी लेयर खारिज करता है जिसे माइलन शीथ कहते हैं। बुनियादी तौर पर ये एक इंसुलेटर है। जहाँ पर ये शीथ नहीं होती वो नर्व इम्पल्स पैदा नहीं कर सकती। ऐसी इम्पल्सिस को सेल्यूटेटरी इम्पल्सिस या जम्पिंग इम्पल्सिस कहते हैं। नोड ऑफ रणवीर, नोड ऑफ रणवीर एक एक्सॉन पर माइलन शीथ के एरिया के दरमियान मौजूद होता है, ये नॉन माइलेटेड पॉइंट्स कहलाते हैं। न्यूरॉन की तीन अकसाम है। सेंसरी न्यूरॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन मालूमात को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन का एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन होता है।
सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। इंटर न्यूरॉन दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद है। ये सेंसरी न्यूरॉन से इम्पल्स को वसूल करते हैं और मोटर न्यूरॉन को मुतहरिक करते हैं। इंटर न्यूरॉन के बहुत सारे डेंड्राइट्स और एक्सॉन होते हैं। इंटर न्यूरॉन को कनेक्टर्स और एसोसिएटेड न्यूरॉन भी कहते हैं। मोटर न्यूरॉन इफेक्टिव सेल को मुतहरिक करते हैं और जब ये सेल मुतहरिक हो जाते हैं तो ये रद्दे अमल पैदा करते हैं। मोटर न्यूरॉन का एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन होता है। मोटर न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। जी टाइप ऑफ न्यूरॉन को हम दो एक्शन के जरिए समझेंगे। नॉन वॉलंटरी एक्शन बगैर किसी लम्स के पैदा होता है। मिसाल के तौर पर, अगर पांव में कोई पिन चुभ जाए तो यह दर्द सेंसरी न्यूरॉन के जरिए महसूस करेगा। दर्द की शिद्दत इंटर न्यूरॉन को ट्रांसफर होगी। इंटर न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन को मुतहरिक करेंगे जिससे मसल की मूवमेंट होगी। वॉलंटरी एक्शन एक एक्शन जो कि दिमाग की जारी करदा हिदायत के जेरे असर वकू पजीर होता है। वॉलंटरी एक्शन में स्टिमुलस सेंसरी न्यूरॉन के जरिए सीधा दिमाग की तरफ जाता है। इस अमल में स्टिमुलस पहले स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाता है जहां से मालूमात इंटर न्यूरॉन के जरिए दिमाग की तरफ जाती है। दिमाग इस मालूमात को हासिल करने के बाद मोटर इम्पल्स को एक्टिवेट करता है जिसके बाद रेलेवेंट रिस्पॉन्स पैदा होता है और इस तरह हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है।